Redmi Note 12 Pro 5G versus Redmi Note 12 5G साउंड टेस्ट एंड स्पीकर टेस्ट। तो गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर Redmi की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुए Redmi Note 12 Pro 5G एंड Redmi Note 12 5G वाले स्मार्टफोन। आज मैं दोनों स्मार्टफोन का गाइस कंपैरिजन बेसिस पे साउंड टेस्ट एंड स्पीकर टेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कौन से स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मिलने वाला है। तो ये जो दोनों स्मार्टफोन से गाइस अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए और ये है इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस। तो ये है Redmi Note 12 Pro 5G वाले स्मार्टफोन का बॉक्स जो कि इस वाले स्मार्टफोन का है और ये है Redmi Note 12 5G वाले स्मार्टफोन का बॉक्स। इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज टॉपिक, कैमरा टेस्टिंग टॉपिक, बैटरी ड्रेन टेस्ट टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया जिससे आप वीडियो इसमें जाकर ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बार ये दोनों स्मार्टफोन का साउंड टेस्टिंग करने की, तो ये है दोनों स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया जिसे वीडियो इसमें जाकर आप इजिली चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरे गाइस उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट सब्सक्राइब मैं सेकंड यूट्यूब चैनल लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है दोनों स्मार्टफोन के ये है बेसिकली 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये Redmi Note 12 Pro 5G का और ये है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये। ये Redmi Note 12 Pro 5G का इसका जो प्राइस है ये नियरली 24,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है और Redmi Note 12 5G 18,000 रुपीज़ का स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन और ऑफलाइन स्टोर्स पर आपको मिल जाएंगे बिकॉज Xiaomi के जो स्मार्टफोन है वो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों स्मार्टफोन का जो साउंड टेस्टिंग है वो गाइस तीन लेवल पर करने वाला हूँ। पहला होगा गाइस इस पर मैं दोनों स्मार्टफोन में हिंदी ऑडियो को प्ले करूंगा, देन उसके बाद इसमें इंग्लिश ऑडियो को प्ले करूंगा, उसके बाद एक म्यूजिक ऑडियो को प्ले करूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर इसके कैमरा से रिकॉर्ड करके मैं कुछ ऑडियो को प्ले करूंगा जिससे कि आपको एग्जैक्ट तरीके से आइडिया मिल जाए कि दोनों स्मार्टफोन में साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। तो ये जो Redmi Note 12 Pro 5G का इसमें जो आपको स्पीकर है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ मिलता है और नीचे की तरफ मिलता है, यानी कि दोनों ऊपर यानी कि ऊपर भी अप साइड में भी और डाउन साइड में भी दोनों साइड में आपको इन स्मार्टफोन में इस स्मार्टफोन में आपको स्पीकर मिलता है जिससे आपका जो साउंड क्वालिटी है वो आपको सराउंडिंग जैसा फील होता है। और यहाँ पर जो Redmi Note 12 5G इसमें ऊपर की तरफ कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर मिलता है जिसपे आपको सिर्फ नीचे की तरफ से आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पे आता है। लेकिन Redmi Note 12 Pro में आपको ऊपर भी है एंड नीचे भी दोनों साइड में आपको स्पीकर मिलता है जिससे कि साउंड क्वालिटी आपको कहीं ना कहीं Redmi Note 12 Pro 5G में ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। बट फिर भी यहाँ पर एक लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं साउंड का। तो नॉर्मली लेवल पे यहाँ पे मैं अभी दोनों स्मार्टफोन में एक सेम टू सेम ऑडियो म्यूज यानी कि एक ऑडियो को प्ले करूँगा जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले प्ले करता हूँ इस Redmi Note 12 Pro में जो कि नॉर्मल सा एक साउंड को यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ एक रैंडम सा साउंड। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन में मेरे ही वीडियो को प्ले करूँगा जो कि मैंने रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे प्ले करता हूँ मैं इस Redmi Note 12 Pro 5G में। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को फुल किया है, पूरा वॉल्यूम मैंने यहाँ पे फुल किया एंड यहाँ पे प्ले करता हूं। तो यहाँ पे मेरे वॉल्यूम को फुल रखा है। तो ये जो साउंड था ये बेसिकली Redmi Note 12 Pro में आ रहा था। अब इसके बाद यही सेम टू सेम एक वीडियो है जो मैं इसमें इस Redmi Note 12 5G में प्ले करता हूँ और यहाँ पे चेक करते थे। यहाँ पे मैं वॉल्यूम को मैंने फुल कर दिया है। तो यहाँ पे क्विक वे में मैंने नोटिस कर लिया कि इस वे में Redmi Note 12 Pro 5G का साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रहा है Redmi Note 12 5G के कंपैरिजन में। तो ये था फर्स्ट लेवल का टेस्टिंग। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड लेवल के टेस्टिंग पे। तो सेकंड लेवल के टेस्टिंग पे यहाँ पे गाइस जो इस Redmi Note 12 Pro 5G का कैमरा है इसके कैमरा से मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा जो कि इसमें प्ले होगा और देखते हैं कि इसमें आपको क्वालिटी कैसा मिलता है। तो यहाँ पर मैं ये एक वीडियो को प्ले करता हूँ और यहाँ पर मैं इसके कैमरा से इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये मैंने इसके वीडियो को रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पर फिर से मैं इसी वीडियो को प्ले करूंगा और यहाँ पर मैं इस Redmi Note 12 5G के कैमरा से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा। देन उसके बाद प्ले करके कौन से स्मार्टफोन में ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर आ रहा है और क्लियर आ रहा है। तो फिर से मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ और अभी मैं Redmi Note 12 5G में रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ स्पेशली बेस्ट बैक कवर्स और बेस्ट बैक केसेस परचेज किए हैं मेरे इस Redmi Note 12 Pro 5G वाले स्मार्टफोन्स के लिए जो कि इजीली और एकदम परफेक्टली तरीके से इस स्मार्टफोन पर अप्लाई हो जाएंगे। ये इस Redmi Note 12 Pro 5G के बैक कवर्स का पार्ट वन है। इसके रिलेटेड गाइस एक पार्ट टू का दैट्स इट। तो अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली जब आप इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हो तो आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलता है। तो सबसे पहले प्ले करता हूँ इस Redmi Note 12 5G वाले स्मार्टफोन में और यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनते हैं।
तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे थे ये बेसिकली मैंने इस रेडमी नोट 12 5G के कैमरा से मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इस मोबाइल का एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर इतना ज़्यादा खास नहीं था। अब यहाँ पर सेम यही ऑडियो को इस रेडमी नोट 12 5G में सुनते हैं और चेक करते हैं कि इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी कैसा मिलता है। तो यहाँ पर टू बी हॉनेस्ट जो मेरा एक यहाँ पर जो मैं एक ट्वीट में मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर भी इस रेडमी नोट 12 प्रो 5G का ही साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर आ रहा है रेडमी नोट 12 5G के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर टेस्ट आउट करते हैं गाइस एक म्यूज़िक ऑडियो को, देन उसके बाद हिंदी ऑडियो को भी एक बार चेकआउट करते हैं। तो हिंदी ऑडियो के लिए तो अब यहाँ पर हिंदी ऑडियो में एक यहाँ पर प्ले करता हूँ जो कि टेक्निकल गुरु जी का यहाँ पर एक ऑडियो है, दोनों स्मार्टफोन में प्ले करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं गाइस प्ले करता हूँ दोनों स्मार्टफोन में एक हिंदी ऑडियो जो कि टेक्निकल गुरु जी का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फिर से प्ले करता हूँ रेडमी नोट 12 5G में। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को फुल रखा है 100%। चलिए शुरू करते हैं। Amazing guys, we all set for witnessing the shape of power. तो ये जो ऑडियो था ये इस Redmi Note 12 5G का था। अब यहाँ पर सेम टू सेम इसी ऑडियो को इस Redmi Note 12 5G में प्ले करते हैं जो कि हिंदी ऑडियो पावर अंदर बस स्टोर ओपन होने वाला है और उसके बाद में लेट्स गो इनसाइड एंड सी हाउ इज यू नो आई मीन स्टोर में लेके चुके हैं बट दोबारा देखने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है और इंटरेक्शन भी होगा, लाइव अनबॉक्सिंग भी होगी। एवरीवन सेट हियर, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर वन प्लस के नए प्रोडक्ट्स इन द न्यू वन प्लस बुलेवार्ड। कम ऑन। तो ये था दोनों स्मार्टफोन। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में प्ले करते हैं एक म्यूजिक ऑडियो को एंड देन उसके बाद यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि म्यूजिक ऑडियो में दोनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन का साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं म्यूजिक ऑडियो में दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम ऑडियो को प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों स्मार्टफोन में सेम ऑडियो को प्ले करूँगा। यहाँ पर फिर से मैं प्ले करता हूँ रेडमी नोट 12 5G में सबसे पहले ऑडियो को। तो ये जो ऑडियो आ रहा था ये इस रेडमी नोट 12 5G का था। और अभी यहाँ पर फिर से प्ले करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के रेडमी नोट 12 प्रो में इस वाले साउंड को और यहाँ पे प्ले करते हैं कि एक्जैक्टली इसमें कितना क्वालिटी यहाँ पे देता है। वैसे इसमें भी आपको रेडमी नोट 12 5G के कंपैरिजन में ज़्यादा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है, बट फिर भी चेकआउट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है गाइस यहाँ पर मैंने कई सारे यानी कि 3 से 4 लेवल के साउंड टेस्टिंग किए और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है देर इज़ नो डाउट रेडमी नोट 12 प्रो 5G में ही आपको साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा रेडमी नोट 12 5G में। बिकॉज यहाँ पर जो स्पीकर में मिलते हैं वो आपको आई थिंक डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं जिसकी वजह से आपको साउंड क्वालिटी यहाँ मिलता है। और अभी से बात है बिकॉज गाइस यहाँ पर इसका प्राइस ज़्यादा होने की वजह से यानी कि इसमें अगर इसका प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपको साउंड क्वालिटी सिस्टम क्वालिटी वो भी आपको ज़्यादा मिलता है रेडमी नोट 12 5G के कंपैरिजन में, जो कि मैंने क्विक वे में यहाँ पर नोटिस किया है इस रेडमी नोट 12 प्रो 5G में। और यहाँ पर गाइस मैंने इन दोनों स्मार्टफोन में जब मैंने फ्री फायर का गेम भी प्ले किया था, फ्री फायर का टेस्टिंग भी किया था, जिसमें भी गाइस यहाँ पर रेडमी नोट 12 प्रो 5G में ही गेमिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर था। अब यहाँ पर गाइस अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए तो यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप रेडमी नोट 12 प्रो 5G के लिए जाइए। अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक यूज़ करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप रेडमी नोट 12 प्रो 5G के लिए जाइए, बिकॉज इसमें आपको साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलने वाला है एज कम्पेयर टू दिस रेडमी नोट 12 5G। और साथ ही साथ इसमें गाइस आपको 4K वीडियो का सपोर्ट भी मिलता है। ओवरऑल जो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, कैमरा क्वालिटी भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है रेडमी नोट 12 5G के कंपैरिजन में। रेडमी नोट 12 प्रो 5G में आपको कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का मिलता है। और यहाँ पे मैंने आई थिंक मैं 1 महीने से इन दोनों स्मार्टफोन को यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी सारा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर किए जिसे वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर देता है। तो साउंड टेस्टिंग के मामले में यहाँ पर रेडमी नोट 12 प्रो 5G विन करता है। यहाँ पर गाइस अगर आप और साउंड टेस्टिंग का टॉपिक चाहते तो यहाँ पर मैं और भी तो कमेंट में जरूर बताना कि मैं और डीप में जाकर साउंड टेस्टिंग और भी कवर करूँगा अदर अदर स्मार्टफोन के साथ में, और कौन से स्मार्टफोन के साथ में मैं इन दोनों स्मार्टफोन का साउंड टेस्टिंग कवर करूँ मुझे कमेंट में जरूर बताना, जैसे कि मैं उसके रिलेटेड टॉपिक कवर कर सकूँ। दैट्स ऑल अबाउट। तो ये था रेडमी नोट 12 प्रो 5G वर्सेस रेडमी नोट 12 5G का एक साउंड टेस्टिंग। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉपिक एंड करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरे गाइस उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर।